कृषि कानून के विरोध में भाकपा माले ने खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव के अलावे कई नेता मौजूद थे। सबसे पहले मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी देशवासियों को ढेर सारा शुभकामना देना चाहता हूँ। मैं इंकलाबी नौजवान सभा गिरिडीह जिला उपाध्यक्ष असगर अली, आज मैं जम्मू से सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसान आंदोलन को मजबूती के लिए मैं ये जो मोदी द्वारा कृषि कानून काला कानून लाया गया है उनके विरुद्ध में आज हम लोग अनुमंडल को घेरा करेंगे। पेड़ों पे घुसने नहीं दिया जा रहा था, उन लोगों को वहाँ घुसने नहीं दिया जाता, लेकिन आज उन लोगों ने दिखा दिया कि जब हम रहेंगे तो पूरा देश आज हम लोगों के साथ है। आज इसी आप लोगों ने देखा पिछले समय जब वहाँ महिलाएं भी आंदोलन कर रही हैं, हर एक चीज पर महिलाएं आगे हैं, उन लोगों को समर्थन कर रही हैं। तो यहाँ आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो चीफ जस्टिस है वो क्या कहते हैं कि महिलाओं को घर भेज दिया जाए, जरा समझ में नहीं आता उन लोगों को कि लगातार पूरे हर इस आंदोलन में बराबरी की भूमिका महिलाओं ने निभाया है। द्वारा घोषित कार्यक्रम है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे कि हम लोग अनुमंडल स्तरीय पूरे जिले में ट्रैक्टर मार्च करके जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है आज पिछले 2 महीने से, और जिस किसान आंदोलन में लगभग 150 किसानों ने अपनी शहादत दी और किसान जो हैं वो डटे हुए हैं, आज किसानों का दिल्ली में भी ट्रैक्टर मार्च है और उस मार्च के जरिए इस मोदी सरकार को ये बताने की काम कर किसान आंदोलन के जरिए हो रहा है कि जो काला कृषि कानून किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपने का है उसे वापस लेना होगा, इससे कम कोई मंजूर नहीं है। और इसी आंदोलन के समर्थन में हम लोगों ने भी आज खोरी महुआ अनुमंडल के स्तर पे पूरे अनुमंडल के विभिन्न इलाके से हमारे साथी लोग ट्रैक्टर मार्च में किसान साथी नौजवान साथी जो है वो आए हुए हैं। आज 26 जनवरी को अखिल भारतीय किसान सभा और भाकपा माले के द्वारा आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, और ये ट्रैक्टर मार्च जो 70 दिन से अधिक दिनों से जो दिल्ली के बॉर्डर पर तीनों कृषि बिल को रद्द करने के सवाल पर जो देश के किसान बैठे हुए हैं, और मोदी सरकार देश के सबसे बड़े कंपनी अडानी और अंबानी के इशारे पर जो एक काला कानून वापस नहीं ले रही है, इसके खिलाफ में हम लोगों ने किसानों के समर्थन में आंदोलन के समर्थन में आज एक ट्रैक्टर मार्च निकाले अनुमंडल स्तर पर जमुआ विधानसभा और धनवार विधानसभा के किसानों के द्वारा। इसलिए ये आज एक ऐतिहासिक रहा, और जब तक ये तीनों कृषि बिल मोदी सरकार वापस नहीं लेगा, हमारी संगठन किसान महासभा और भाकपा माले अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी। और हम लोगों का नारा है, हम लोग का नारा है कि हम लड़ेंगे, हम मरेंगे और हम जीतेंगे, जितना भी तुमको मारना है, लेकिन ये तीनों कृषि काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आपको इतिहास में आयद है कि जब अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था साइमन कमीशन के द्वारा, उस समय पूरे देश के पार्लियामेंट पे भी साइमन गो बैक का नारा लगा था, उसी तरह से आज कृषि बिल गो बैक का नारा पूरे देश में मोदी जी को सुनना होगा। और इस मोदी सरकार को इस बार देश के किसान मजदूरों ने, इस देश के दलित अकीलितों ने ठान लिया है कि आने वाला समय में इस मोदी सरकार को हटा करके ही देश को बचाया जा सकता है, और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है
किसान बचाओ, देश बचाओ और भाजपा हटाओ। आज देश के लिए भाजपा सबसे बड़ा खतरा बन गया है, चाहे वो देश की संप्रभुता हो, देश की आजादी हो, देश का लोकतंत्र हो, देश का संविधान हो, ये भाजपा पूरा खत्म करना चाह रहा है। लेकिन ये खत्म नहीं होने दिया जाएगा। इस देश के नौजवान, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान, इस देश के महिलाओं ने ठान लिया है कि जो भी कुर्बानी देना होगा हम लोग देंगे, लेकिन ये काला कानून किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। यही आज हम लोग 26 जनवरी को संकल्प लिए हैं।